अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए हम पबजी जस्ट लेकर आए ओप्पो A18 का। जी हाँ भाई, नया ही मॉडल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर गेमिंग में कैसा है ये फ़ोन, ये आपको बताएंगे एक्सपीरियंस करके बैटरी कितनी ड्रेन करता है। यहाँ पर ओप्पो A18 की पाकिस्तान में प्राइस 36,000 रुपये, 36,000 रुपीज़, 4GB 128GB प्रोसेसर, मीडियाटेक हेलियो G85 है। यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है आपको और 10W की चार्जिंग है। इसके साथ साथ अगर देखें डिस्प्ले तो आपको 90Hz वाला एक डिस्प्ले मिलता है दोस्तों। तो ब्राइटनेस वगैरह आपको चेक कराएंगे, आखिरकार बैटरी कितनी ड्रेन करता है ये भी आखिर देख ही लेंगे हम। बैटरी जो है वो 77% रिमेनिंग है, देखते हैं कितने मिनट में कितनी बैटरी ड्रेन करता है। इस फोन में आप देख सकते हैं जायरोस्कोप अवेलेबल है और रिवर्स जायरो का भी ऑप्शन है। थोड़ा टेस्ट करके आपको दिखा देंगे हम, हमें जायरो के साथ प्ले नहीं करना आता। स्मूथ में, अल्ट्रा में 40 FPS, मतलब आप पबजी इसमें प्ले कर सकते हैं। और HD में हाई सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलता है, हम स्मूथ में अल्ट्रा में प्ले करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट से ज़्यादा ही पबजी हम टेस्ट कर रहे हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दी है। यहाँ पर 1.5 मिनट स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हुए, टोटल टाइम 3.5 मिनट हुआ है। जायरो देख सकते हैं, जायरोस्कोप ठीक काम कर रहा है। ये देखिए रिवर्स जायरो का भी ऑप्शन है और अब तक तो डिले नहीं हो रहा। G85 तो है लेकिन यहाँ पर देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी रहती है आखिर तक। कलर्स वगैरह डिस्प्ले के ब्राइटर है डिस्प्ले, वैसे ये चीज़ है, बट यहाँ पर शुरू में कहीं पर रिस्पॉन्स में मसला कर रहा था। अब देखेंगे, खेल कर आपको दिखाएंगे कि वाकई भाई गेमिंग कैसी जाती है। ये देख सकते हैं फटका दिया इन्होंने। अब काफ़ी लोग कहते हैं मैं आप प्ले नहीं करनी आती, नहीं करनी आती भाई प्ले मुझे, क्या करूं। बट ये कि रिस्पांस का तो पता लग ही जाता है ना कि टच रिस्पांस कर रही है या नहीं। कह रहे हैं आप जल्दी मर रहे हो, ये वो किल जल्दी हो रहा है, इससे क्या ताल्लुक है इस चीज़ का। टच रिस्पांस का तो पता लग जाता है ना, ये चीज़ होती है। जैसे ये बंदा फटका दिया अभी मैंने, टच रिस्पांस देख सकते हैं क्या देर लग रही है या बंदा रुक तो नहीं रहा, किस तरह टच सही रिस्पांस कर रही है, किस तरह, ये सारा कुछ हमें टेस्ट करना होता है। इस तरह थोड़ी ये गेम अच्छी है तो फिर ही पता लगता है टच का। इतने फ़ोन हम टेस्ट कर चुके हैं तो इस वजह से ही है कि पता लग जाता है कि टच रिस्पांस सही है या नहीं है। अब तक वही 4 मिनट हुए हैं।
पबजी टेस्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और मिनट्स को भी हम रोक देते हैं। तकरीबन 20 मिनट और कुछ सेकंड्स हमने पबजी टेस्ट किया और यहाँ पर ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी हमने ऑन किया हुआ था, यहाँ पर डन कर देते हैं। 19 मिनट ये देख सकते हैं, अभी डन कर दिया। और यहाँ पर बैटरी सबसे पहले आपको दिखाते हैं, फिर परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ मैं आपको। बैटरी इस वक्त रिमेनिंग है 70%, ये देख सकते हैं 70% इस वक्त बैटरी रिमेनिंग है, मतलब 7% बैटरी का खर्चा हुआ है ओनली 20 मिनट में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन थी, तो ये ज़्यादा हो सकता है। हालांकि टेम्परेचर इतना नहीं है कमरे का, इस वक्त 15-16 डिग्री टेम्परेचर है कमरे का, तो उस हिसाब से भाई ये ज़्यादा खर्चा हुआ। लेकिन हम लोड फुल डाला था, ब्राइटनेस काफ़ी फुल की हुई थी, वॉल्यूम भी साथ ऑन किया था, उस हिसाब से परफॉर्मेंस तो ठीक रही, लेकिन लैग काफ़ी ज़्यादा रहा भाई। जहाँ पर बंदे आ रहे थे ना, वहाँ पर लैग बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस हिसाब से लैगिंग के हिसाब से टच रिस्पॉन्स वगैरह तो ठीक था, लेकिन लैग आपको मैचेस में ये कर सकता है। और फ़ोन हीट होगा तो आपको लैग और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, फ़ोन स्लो हो सकता है। तो 4GB 128GB के साथ इस वजह से यहाँ पर रैम थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, प्रोसेसर इंप्रूव होना चाहिए था प्राइस रेंज के हिसाब से। तो पबजी के लिए ये फ़ोन आप नॉर्मल कह सकते हैं। अब आपको कैसा लगा ये फ़ोन, कैसी लगी परफॉर्मेंस, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।